ये ले प्लीज, ये ले मेरी बुक, प्लीज मुझे पढ़ने दो। तो अभी बताते हैं, बढ़िया ही पढ़ाई करने वाली। चल वैसे मैडम क्या कर रही हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। अरे मेरी बुक दो मुझे। अरे दो ना। अच्छा तो बुक चाहिए तुझे? बुक इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। बुक दो मेरी बुक चाहिए। बुक दो मुझे। दो ना, ले लेना। अरे ये लड़कियां क्या करने लग रही हैं बेचारी उस लड़की के साथ, जाकर देखती हूँ। ये ले ना प्लीज मेरी बुक मुझे। अच्छा तो बुक चाहिए मैडम को। मेरी बुक ये ले प्लीज, ये ले मेरी बुक प्लीज मुझे पढ़ने दो। ये ले। आगे से इस स्कूल में पढ़ते हुए दिख मत जाना। अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, पर आगे से ध्यान रखना। अरे छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की किताब फाड़ने की? हाँ ये अपना हाथ ना अपने पास ही रख, वरना तोड़ दूंगी इसे। औकात में रह, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। और हेलो मैडम, औकात में तो तू रह, शायद तुझे पता नहीं है मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल की बहन हूँ। और अगर तुझे इस स्कूल में रहना है ना तो अपना मुंह बंद रख। चलो अपना रास्ता देख। दोस्ती करोगी? नहीं मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करना है, सब लोग एक जैसे ही होते हैं, गवार बदतमीज। पर मैं तो वैसी नहीं हूँ ना, तुम मुझसे दोस्ती करके देख सकती हो, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। क्या तुम सच में उनकी तरह नहीं हो? हाँ बाबा। उन लोगों ने देखना मेरी बुक फाड़ दी, वो बहुत बुरे है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस बुक को जोड़ दूंगी, ठीक है? क्या सच में? हाँ सच में। तो फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स। चले कैंटीन में कुछ खाने? हाँ चलो चलो। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे। अरे तुम आ गए? हाँ। ये देखो तुम्हारी बुक, मैंने सारे पन्ने इसके चिपका दिए। थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो। लग रही है ना नई जैसी एकदम। हाँ। तो खुदा माना। हिम्मत कैसे हुई इस स्कूल में पढ़ने की? और तेरी तुझसे मना किया था ना हमने। और हाँ तुम दोनों पढ़ लिख कर करोगी भी क्या? वैसे भी इस स्कूल में टॉप तो हमें ही आना है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल की सिस्टर हूँ। और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुँह क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से।
बस यार बहुत हो गया, जब देखो तब वो हमें टॉर्चर करने लगी रहती है कि तुम स्कूल में ये मत करो वो मत करो। हाँ आखिर उसका स्कूल है क्या और उसके भैया प्रिंसिपल है तो क्या हुआ? आज ना हम लोग ना उसकी प्रिंसिपल से शिकायत करके ही रहेंगे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। नहीं नहीं हम नहीं करेंगे उसकी प्रिंसिपल से शिकायत, कहीं उन्होंने हमें ही इस स्कूल से निकाल दिया तो। अंजाम चाहे जो भी हो प्रिंसिपल से शिकायत तो हम लोग करेंगे। चलो तुम मेरे साथ। पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। सर क्या इस स्कूल में ऐसे रूल्स हैं जो लोग रिच फैमिली के होते हैं उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं और जो पुअर फैमिली के हैं उन्हें पनिशमेंट मिलती है? नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जो गलती करता है उसे पनिशमेंट जरूर मिलती है। तो सर आपकी बहन को पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती है? वो स्कूल में लड़के और लड़कियों को बहुत परेशान करती रहती है और उनसे बोलती है कि मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल की बहन हूँ। बच्चों की किताबें फाड़ने लगी रहती है, कोई किसी से कुछ नहीं कहता है क्योंकि सब डरते हैं ना, इसलिए हम ही लोग कंप्लेंट लेकर आए हैं। कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करता है? आज से पहले तो उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, अगर उसने गलती की है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और वैसे भी स्कूल में कोई किसी का भाई बहन नहीं होता और ना ही कोई रिश्तेदारी, उसे तो मैं देख लूंगा। अच्छा तुम दोनों जाओ। ओके सर। हाँ और हमारी साल भी खराब नहीं होगी। ये हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे ना तुम्हारे पास? हाँ। ये अपना हाथ अपने पास ही रखो। तूने मेरी फ्रेंड में चाटा मारा? हाँ मारा चाटा, और ये अपना हाथ अपने पास संभाल कर रखना। और वैसे भी स्कूल में ना कोई किसी का भाई बहन नहीं होता है, समझे तुम दोनों? आगे से हमें तो क्या कभी किसी को परेशान भी मत कर देना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सोनम। बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है ना ये। आज देखो भैया से बोलकर इन दोनों को मैं इस स्कूल से कैसे निकलवाती हूँ, इनको तो निकलवा कर ही रहूंगी मैं। चलो तुम मेरे साथ। भैया मुझे उन दोनों लड़की ने चाटा मारा। चाटा मारा इसमें मैं क्या करूं? तो तुम उन दोनों को स्कूल से बाहर निकालो ना। अरे मैं क्यों निकालूं उन दोनों को स्कूल से बाहर, और वैसे भी मैं तुम्हारा भाई घर पर हूँ स्कूल में नहीं। स्कूल में सभी के लिए रूल्स बराबर होते हैं, यहाँ पर कोई किसी का भाई बहन नहीं होता है। और आगे से तुमने किसी को परेशान किया या तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई ना तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दूंगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये फालतू बातों पर नहीं। और हाँ मैं तुम्हारा भाई घर पर हूँ स्कूल में नहीं।